नंबर से आज करना था, 10 तक कल करवा दिया। ठीक है, IIGF 2023 की नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें, IIGF, ठीक है, क्या इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होता है, क्या होता है फुल फॉर्म IIGF का, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का बैठक कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, नई नई दिल्ली। दिल्ली में हुआ है। क्या होगा तो यहाँ पे देखेंगे, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 नई दिल्ली में इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, किस पे चर्चा हुई, आपको सिंपल ध्यान में रखना है, इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम 2023 में इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पे चर्चा हुई है। क्या बोलेंगे इसको, IIGF, ठीक है, IIGF 2023 कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान में रखना आपको, कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। बहुत सुंदर, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 एक हाइब्रिड कार्यक्रम है जो 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कब आयोजित किया गया, तो 5 दिसंबर को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विषय क्या था, अगर बात करेंगे तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना। ठीक है, ये क्या था, इसका विषय था IIGF के भारत बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, IIGF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है IIGF का बैठक जो है इस बार नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, इंडिया इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उससे मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक बहुहितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूह के प्रतिनिधियों के साथ एक साथ लाता है। संयुक्त राष्ट्र IIGF एक भारतीय चौप्टर है जिसे भारत IIGF या IIGF कहा जाता है, 2021 में बनाया गया था। कब बना था ये, कब बना था, 2021 में बना। जैसे संयुक्त राष्ट्र का कोई संस्था रहता है ना, तो उसी तरह के हर देश में भी संस्था बनाने की मतलब पहल की जाती है। जैसे मानेंगे मजदूरों के लिए संस्था है, तो हर देश में भी मजदूरों के लिए कोई ना कोई संस्था होगी। मानवाधिकार है का संयुक्त संघ, तो हर देश का भी अपना मानवाधिकार होता है, और वो जो होता है ना, अगर संयुक्त संघ का अगर मेंबर अगर वह देश है, तो उस देश की सारी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न शाखाओं के अधीन काम करती है। ठीक है, उसी तरह भारत का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के जुड़ी एक पहल है। ठीक है, समझ गए, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में बस ये भी रखना है, इसकी बैठक की बात करेंगे तो कहाँ पे हुई, तो दिल्ली में हुई है, ध्यान में इसको रखना है। अब यहाँ पे चले, केन्या राष्ट्रपति की भारत की यात्रा हुई है। ठीक है, केन्या के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत की यात्रा हुई, केन्या एक अफ्रीकी देश है। राष्ट्रपति की बात करेंगे, विलियम रूटो बहुत दिन से है, ध्यान रखेंगे, भारत के 3 दिवसीय यात्रा पे, ठीक है, आए हैं। ठीक है, केन्या की राजधानी कहाँ है बताएंगे जरा, कहाँ पे केन्या की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय नैरोबी। संगठन भी है नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या है, यूएनईपी हाँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूएनईपी। ठीक प्रोग्राम। है, हाँ, आप चलेंगे, प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त वार्ता के दौरान यह घोषणा की गई कि भारत केन्या को अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा। तो मोदी जी ने क्या बोला, विलियम रूटो से यह मैटर नहीं है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अभी हाल में ही, ठीक है, ठीक है, केन्या के डेलीगेशन भारत आया, जैसे प्रधानमंत्री चाहे जो भी राष्ट्रपति हो, तो उनसे मतलब भारत ने, ठीक है, कृषि के क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा प्रदान करेगा, तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, हमारी दोस्ती की बात करेंगे तो 1948 से केन्या के साथ हमारी दोस्ती चली आ रही है, ध्यान में रखेंगे। अब केन्या के बारे में कुछ संदर्भ है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते, तो सबसे पहले केन्या जो है अफ्रीकी महाद्वीप में है, कौन से अफ्रीकी महाद्वीप में है, क्या बताएंगे, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है, कहाँ से पड़ता है, पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। केन्या के बारे में एक चीज और भी देखिएगा, भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटा हुआ है, किसे सटा हुआ है, भूमध्य रेखा पे हिंद महासागर से सटे हुए हैं। केन्या हिंद महासागर विक्टोरिया झील के बीच में है, किसके बीच में है, हिंद महासागर और विक्टोरिया झील के बीच में, बात करेंगे तो आपको क्या है, केन्या है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी केन्या तंजानिया इंसानों का मूल जन्म स्थान रहे होंगे, इसीलिए आप देखेंगे तो मतलब ये भी कहा जाता है। ठीक है, किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है, एशिया को अफ्रीका एशिया को कहते हैं क्या, अफ्रीका को नहीं, एशिया को कहते हैं ना, सभ्यता का, एशिया को मानव का पालना अफ्रीका को।
ध्यान में रखे थे। अफ्रीकी वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी केन्या और तंजानिया इंसानों का जन्म का मूल स्थान रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यूएन हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। ठीक है, यूएन हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसा बताया यूएनएपी का भी मुख्यालय है, यूएनएपी। ठीक है, केन्या के क्रिकेटर का नाम क्या है जो कि मैं तो हाल फिलहाल में आईपीएल खेलने वाला बन गया? नहीं, केन्या का नहीं, केन्या का कोई बना है क्या आईपीएल खेलने वाला? जिम्बाब्वे का बना है, केन्या का नहीं बना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आरपीएफ का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खबरों में था, ये प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो पूछेगा नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय ठीक है, नन्हे आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, खबर उसके बाद पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, ये बच्चों और उनके परिवारों से मिलवाया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, तो ये बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत, ये आरपीएफ के द्वारा चलाया जाता है, नन्हे फरिश्ते के तहत 520 से अधिक बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया गया। आप देखेंगे इसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस अभियान के तहत भारतीय रेलवे के संपर्क में आने वाले देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाया गया और बच्चों को उनके परिवारों से मतलब क्या किया, मिलाया गया। अब आरपीएफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरपीएफ की स्थापना कैसे हुई? ठीक है, तो इसे 1957 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था और वर्ष 1985 में इसे भारत संघ का एक सशस्त्र बल घोषित कर दिया गया। ठीक है, आरपीएफ क्या है? हमारा सशस्त्र बल है। जितना भी सशस्त्र बल जो होता है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, क्या बताएंगे? गृह गृह मंत्रालय मंत्रालय। के। ठीक है, ध्यान रखें, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, सशस्त्र बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों सेनाएं काम करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सशस्त्र बल किसके अधीन काम करेगा? गृह मंत्रालय के अधीन काम करेगा। तो आरपीएफ जो है 1957 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा वैधानिक बल घोषित किया गया था, लेकिन 1985 में इसे भारत संघ का एक सशस्त्र बल क्या किया गया, घोषित किया गया। यह भारत के प्रमुख सुरक्षा बलों में से एक है जिसका काम है भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आप चलेंगे, नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन याद हो गया, आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, भारत संघ में सशस्त्र बल कब घोषित किया गया, 1985 में। सशस्त्र बल हो गया, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है। ठीक है, बीएसएफ भी सशस्त्र बल में आता है। ठीक है, उसका एसएसबी है, ये सब क्या सशस्त्र बल है। ठीक है, और तब तो सब गृह राष्ट्रपति मंत्रालय, आईआईटी गृह मंत्रालय, तो सब गृह क्या, मंत्रालय था जब तक वो सब गृह मंत्रालय, ये रेल मंत्रालय के अंदर है। सशस्त्र बल जितना होता सब गृह मंत्रालय का अधीन ही आएगा, कोई रेल मंत्रालय का अधीन नहीं आएगा। और फिर भी चलो, मेरे हिसाब से तो वो भी गृह मंत्रालय का अधीन ही आता होगा आरपीएफ, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लीजिए, हो सकता हम गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से सशस्त्र बल है तो सर गृह मंत्रालय का अधीन ही आता है, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं सर, सही बोल रहे हैं। सुरक्षा जो आरपीएफ है सशस्त्र बल नहीं है सर, ये रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्सेस है। इस मंत्रालय का अधीन काम करते हैं, रिपोर्ट कौन करता ये है? रेल मंत्रालय के अंदर है, बाकी सब गृह मंत्रालय के अंदर है। अर्धसैनिक है सर, वो लोग गृह मंत्रालय का अधीन आएगा, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए सब, वो इनका सब तो आता स्पेशल ही है। डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे सशस्त्र बल घोषित किया गया लिखा। ठीक है, हम देख लेंगे। भारतीय चलिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत है। अच्छा ठीक है, आप चलेंगे। राष्ट्रपति आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति आईआईटी के दीक्षांत समारोह में, मतलब क्या, आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। बाद के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी, ठीक है, लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अनुसार आज भारत 5D है। ठीक है, 5D है, डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ठीक है, राष्ट्रपति ने 5D के अंतर्गत किस किस को रखा? डिमांड को रखा, डेमोग्राफी को रखा, ठीक है, डेमोक्रेसी को रखा, डिजायर को रखा और ड्रीम को रखा। ठीक है, ये 5D। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें स्थान पे थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? ठीक है, कितनी बनी अर्थव्यवस्था? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और उम्मीद है से 2030 तक, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, इन इक्यूवेशन सेंटर CREAT क्रिएट की स्थापना अनुसंधान एवं विकास को क्रियाशील एक एवं मूर्त रूप देकर समाज के लिए सुलभ बनाने की दिशा में सराहनीय कदम है। तो हमारी राष्ट्रपति जो है, ध्यान रखिएगा,
IIIT, ठीक है, IIIT लखनऊ के दीक्षांत समारोह में पार्ट ली थी। उन्होंने वहां पे 5D का मंत्र दिया। 5D में डिमांड था, डेमोग्राफी था, डेमोक्रेसी था, डिजायर है, और मतलब क्या है, ड्रीम है, ठीक है। उन्होंने कहा मतलब वहां पे हमारी अर्थव्यवस्था जो आज से 1 दशक पहले 11वें नंबर पे थी, वर्तमान स्वरूप में हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2030 तक सब कुछ अच्छा रहा तो हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं, संसद पर हमले में शहीद और वीर सुरक्षा कर्मियों की भावहीन, ठीक है, श्रद्धांजलि दी गई। आपको पता होना चाहिए 2001 में संसद पे हमला हुआ था, इसके जो सबसे बड़े जो कल्प्रिट जो था उसका नाम क्या था, जो संसद पे जो हमला किया था जिसको फांसी दिया गया, क्या नाम है, अफजल गुरु, क्या नाम था उसका, संसद अफजल गुरु। हमला का मास्टरमाइंड कौन था, अफजल गुरु, ठीक है, जिसको फांसी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे संसद पे हमला हुआ था 2001 में, तो उसी के समय में स्वच्छ मतलब यहाँ पे उन लोगों को भावहीन श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है। हमले में 8 पुलिसकर्मियों की सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है, मतलब हमले में 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित सभी 5 आतंकवादी मारे गए थे। वर्ष 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 5 सदस्यीय आत्मघाती दस्ते से संसद भवन पर हमला किया, तब लोकसभा का सत्र जो था चल रहा था। हमला करीब 30 मिनट तक चला और 5 आतंकियों को इमारत के बाहर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि संसद भवन में आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने में दिल्ली पुलिस के 5 पुलिस सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और पार्लियामेंट वॉच एंड वार्ड अनुभाग के 2 सुरक्षा सहायक शहीद हो गए। एक माली और एक फोटो जर्नलिस्ट की भी इसमें जान चली गई। टोटल कितने लोग, 9 लोग, ठीक है, ध्यान रखें कितने, 9 लोग, ठीक है। इनमें से शामिल 4 अपराधी, ठीक है, मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन, अफसान गुरु, एस आर गिलानी के खिलाफ मामला लगभग 1 दशक तक चला, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 2 को बरी कर दिया और 1 को मौत की सजा बरकरार रखी, मतलब अफजल गुरु को मौत की सजा हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिलानी को 2003 में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था, जिसे ध्यान में रखेंगे 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब क्या रखा, बरकरार रखा था। संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी, ठीक है, आप लोग को पता है क्या हुआ था, मतलब कुछ लोग मतलब पहुंच गए थे, उन्होंने मतलब वहां पे स्मोक वाला जो था वो मतलब धुआं वाला जो नहीं होता वो मतलब कर दिया गया था, इसलिए आप देखेंगे सब हमारे संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेवारी, ठीक है, CIA सबको सौंप दी गई है। पहले दिल्ली पुलिस करती थी, अब कौन करेगी, केंद्रीय औद्योगिक सीआईएस बल, ठीक है, CIA सब करेगी, पहले कौन करती थी, तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले हाँ ठीक है, पहले दिल्ली पुलिस करती थी, अब जाके CIA सब करेगी, ठीक है। चलिए, उस समय भी दिल्ली पुलिस ही कर रही थी। अब आते हैं, हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दे दी गई है। हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को क्या दी गई है, हरी झंडी दी गई है, ठीक है। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने, माइक बंद कीजिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा चलाए गए मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालय पर्वतारोहण संस्था जो कि दार्जिलिंग की एक टीम के द्वारा चलाए गए मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दे दी है। इसमें क्या था, तो टीम ने सिक्किम हिमालय में माउंट रेनॉक के ऊपर 7500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। क्या किया है, तो टीम ने सिक्किम हिमालय के माउंट रेनॉक के ऊपर जो कि 7500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, फहराने का मतलब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। अभियान के हिस्से के रूप में दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिंचन पीक पर तिरंगा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब ये अभियान में क्या होगा, तो दक्षिणी ध्रुव की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट बिंसन पीक, उस पर मतलब तिरंगा प्रदर्शित किया जाएगा। ध्वजारोहण समारोह के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में वायुसेना बाल भारती स्कूल में 7500 वर्ग फुट राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम प्रदर्शन देखा था। इस कार्यक्रम में मेगा रोड शो, मेरा युवा भारत यात्रा का समापन भी हुआ, जिसे सिक्किम में हिमालय 16,000 फीट की ऊंची चोटियों से पवित्र मिट्टी और पानी श्री अजय भट्ट को भेंट किया गया, ठीक है। आप चलेंगे, उसके अनुसार इस तरह की लीक से हटकर पहल युवाओं में साहस और देशभक्ति को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो यही सब प्रश्न था, विशेष कुछ नहीं, बस ध्यान में रखिए एक टीम थी जो चर्चा में रही, जो कि मतलब दार्जिलिंग की टीम है, उन्होंने मतलब मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है। मतलब इसको वैसे आप किसी भी देश में जाके आप किसी
माउंटेन वगैरह पीक वगैरह को करने के लिए आपको दोनों देश से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। आपका जो पर्पस जो है वो भी, और मतलब किस पर्पस से जा रहे हैं वहां के भी परमिशन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग मतलब जाएंगे अपना अंटार्कटिका वगैरह में जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सिक्किम हिमालय के माउंट रेनॉक के ऊपर 7500 वर्ग फुट का, समझ कितना बड़ा होगा, उसका वजन भी 75 किलोग्राम का, उसको राष्ट्रीय ध्वज को फहरा के एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अभियान का हिस्से के रूप में दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर तिरंगा को भी प्रदर्शित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अच्छा, इसमें इस समय मतलब जो था, इस समय मतलब योगदान किनका था, मंत्री का नाम क्या, अजय भट्ट। अब चलते आगे, वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2.0 हुआ है, ठीक है। तो काशी तमिल संगम अभी चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया, ठीक है। ये कैमरे नंबर का संस्करण था, दूसरे नंबर का संस्करण था, ठीक है। यहाँ पे एक एक मतलब था, एक राज्य का, चलिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुकलुरल, ठीक है, तिरुकुरल, ठीक, मनी मेकलाई और अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा ब्रेल अनुवाद को लॉन्च किया। ये सारे के सारे संगम साहित्य के ग्रंथ है, ठीक, कहाँ के है, संगम काल के, जो संगम साहित्य हुआ था ना उसी का ग्रंथ है ये, ठीक है। तिरुकुरल जो कि तमिल में क्या बोला जाए, इसको तमिल रामायण या तमिल का बाइबल कुछ बोला जाता है, इसको याद नहीं आ रहा है, तिरुकुरल को, हम मनी मेकला, ये भी संगम साहित्य का ही मतलब ग्रंथ है। मोदी जी के रामायण बोला द्वारा, जाता सर। रामायण बोला जाता है ना, मोदी जी के द्वारा इन क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा ब्रेल अनुवाद को लॉन्च किया। कन्याकुमारी की बात करेंगे, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडा दिखाई गई। ये काशी तमिल संगम का एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है। मतलब कन्याकुमारी से कहाँ पे मतलब ट्रेन जाएगी, वाराणसी, कहाँ पे जाएगी, वाराणसी। काशी तमिल संगम का पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए आयोजित किया गया था। ये दूसरा संगम है, पहला जो हुआ था काशी तमिल संगम 2022 में हुआ था, जिसमें नोडल एजेंसी कौन थी, शिक्षा मंत्रालय थी, ठीक है। 2022 वाला में पहले संस्करण के अनुभव का लाभ उठाते हुए IIT मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में क्रांवन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अब यहाँ पे दूसरा संस्करण में कौन कौन नोडल एजेंसी रहेंगे कैसे हेल्प के लिए, तो IIT मद्रास तमिलनाडु में, वाराणसी वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दोनों के दोनों क्रांवन एजेंसी के रूप में काम करेंगे। पहले वाले में कौन थे, पहला वाला में तो शिक्षा मंत्रालय 2022 वाला में, दूसरा वाला में कौन है, तो IIT मद्रास, ध्यान आई आई रखिएगा, टी BHU, मद्रास ठीक है। और दोनों के दोनों BHU। क्रांवन एजेंसी के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अब पहला वाला 2022 में चला था, 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 1 महीने तक चला था, ठीक है। इस बार मोदी जी ने इसको क्या किया है, इसको मतलब क्या किया, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया है, मोदी जी ने तमिल ग्रंथ का मतलब क्या किया है, तो क्लासिकल तमिल साहित्य के बहुभाषा, बहुभाषा में विभिन्न भाषाओं में उनकी किताब का अनुवाद, क्या बोलते हैं उसको, विभिन्न भाषा में किताब का जो अनुवाद किया गया उसको लॉन्च किया गया, साथ में उसका ब्रेल अनुवाद को भी लॉन्च किया। मतलब जो जो डिसेबल्ड पीपुल के लिए है वो पढ़ सकते हैं उनके लिए, और साथ में ट्रेन को लॉन्च किया गया जो कि कन्याकुमारी से वाराणसी तक जाएगी, तमिल संगम ट्रेन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तमिल संगमन ट्रेन, ठीक है, कन्याकुमारी से संगमन, वाराणसी से तमिल संगमन संगमम ट्रेन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, क्लियर। आप चलेंगे सूरत में दुनिया का सबसे बड़े, ठीक है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, इसका नाम है डायमंड बोर्स रखा गया, क्या रखा गया, इसका नाम डायमंड बोर्स। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया, ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का नाम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर हो जाएगा, 67 लाख वर्ग फुट से अधिक फर्श क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत शहर के पास, ठीक है, किस गांव में स्थित है, खजोद गांव में, किस गांव में है, गांव का नाम खजोद इंपोर्टेंट हो सकता है, किस गांव में, खजोट गांव में। तो ये खजोद दुनिया का सबसे बड़ा परिसर वाला कार्यालय हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कौन था, पेटांगन था, कौन था इससे पहले, पेटांगन। पेटांगन, पेटांगन क्या है, तो अमेरिका का सुरक्षा विभाग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पेटांगन। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को नए भारत का प्रतीक और उसकी ताकत बताया। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र होगा, ठीक है, मतलब हीरा व्यापार के लिए है, ठीक है। सूरत SDB के मतलब सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे,
एसडीबी डायमंड बोर्स द्वारा प्रवर्तित एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंपनी है, उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अब चलेंगे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ठीक है, क्या स्मार्ट इंडिया हैकथॉन? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों को संबोधित किया। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन से आने वाली, ठीक है, कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, और इस प्रकार उत्पाद नवाचार की प्रकृति और समाज समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेलंगाना में नोडल सेंटर रहा। ठीक है, वर्ष 2023 में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले दिसंबर महीने में 23 से 23 तारीख तक आयोजित किया गया। ठीक है, इस बार 44,000 टीमों में से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के पहले संस्करण की तुलना में लगभग 7 गुनी है। तो क्या हुआ है, इसको ध्यान में रखेगा इसको, तो सबसे पहले आपको देखना है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागी को क्या क्या संबोधित किया गया। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन कैसी पहल है, तक राष्ट्रव्यापी, ध्यान में रखेंगे क्या पहल है, जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन से आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार उत्पाद नवाचार की संस्कृति या समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 सॉफ्टवेयर संस्करण के ग्रैंड फिनाले के लिए श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेलंगाना में नोडल सेंटर रहा। तो नोडल सेंटर का नाम आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, क्या नाम है नोडल सेंटर का बता दीजिए जरा। श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, वर्ष 2023 स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले दिसंबर महीने में 19 से 23 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। कितने टीमों ने भाग लिया, 44,000 44,000 टीमों में से, ठीक है, 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, तो पिछले संस्करण की तुलना में अगर बात करेंगे तो 7 टाइम्स अधिक है। पूछ की बात करेंगे, पूछ नियंत्रण रेखा पे आतंकी हमला हुआ। पूछ आपको कहाँ पड़ता है, क्या बताएंगे, पूछ कहाँ है? कश्मीर बिल्कुल, पूछ की बात करेंगे तो में जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, नहीं, जम्मू कश्मीर पड़ता है पूछ। पूछ कहाँ पे, ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पूछ जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलेंगे तो क्या होता है, पूछ जम्मू कश्मीर में के पूछ नियंत्रण रेखा की बात करें, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी समूह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली। कौन नया आ गया, पी ए एफ एफ। ठीक है, PAF आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद का एक मुखौटा है, मतलब उसी का मुखौटा, मतलब समझे ना, माउथ स्पीच। ठीक है, मतलब वो जो करेगा वो सब सही है, उसी के राह पे हम चलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मुखौटा बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे माउथ स्पीच होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये उसी का क्या है, तो माउथ स्पीच है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ज्वाइन लिंक नहीं आ रहा है, फिर से भेजिए लिंक। है किसको लिंक भेजना है भाई, लिंक नहीं भेजा जाता, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, यह पहली बार अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा खत्म होने के बाद चर्चा में आया था। पीएएफएफ को गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यूएपीए, ठीक है, यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे पहले गृह मंत्रालय ने लश्कर ए तैयबा की एक शाखा रेजिमेंट फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसे क्या क्या प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, अब चलिए एलओसी के बारे में जान लेते हैं। एलओसी जम्मू और कश्मीर के पूर्व रियासत और भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच एक सैन्य नियंत्रित रेखा है। एलओसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो एलओसी क्या है, जम्मू और कश्मीर के बीच में पूर्व रियासत, जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच एक सैन्य नियंत्रित रेखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एलओसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक सीमा के रूप में मतलब क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शिमला समझौते के रूप में हुई थी। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था,
1971 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा जी उधर से कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। कौन थे शिमला समझौता में, इंदिरा गांधी, और कौन थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे शिमला समझौता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार और हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे शिमला समझौता के तहत एलओसी को मतलब क्या किया गया था, फिक्स किया गया था। ठीक है, अब आते नई दिल्ली में आसियाना भारत बाजरा उत्सव खबरों में रहा। ठीक है, नई दिल्ली में क्या हुआ, तो आसियान भारत बाजरा उत्सव। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के डीएलएफ, ठीक है, प्रोमिनेट मॉल में आसियाना भारत बाजरा उत्सव की प्रदर्शनी का दौरा किया। ठीक है, आसियाना भारत बाजरा उत्सव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बाजरा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बाजरा एवं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए बड़ा बाजार क्या है स्थापित करना है। यह त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप है, भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया था, मोटे अनाज का वर्ष था, मतलब कोई प्रॉपर बाजरा वर्ष नहीं था। कब गया, 2023 का जो वर्ष जो था, 2023 ठीक है, ठीक है, क्या था, मोटे अनाज का। 2024 का वर्ष किसके लिए घोषित किया गया, 2024 का वर्ष, कैमल के लिए है। हाँ, ऊँटों के नहीं, लिए है। ठीक है, और 2023 का जो है किसके लिए है, ठीक, ध्यान में रखिएगा, बाजरा के मोटे अनाज के लिए। लिए हाँ, मोटे अनाजों के भारत सरकार ने क्या नाम दिया, श्री अन्न नाम दिया। क्या दिया है, श्री श्री अन्न अन्न, श्री अन्न। ठीक है, इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर लगाया गया, तो हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। ठीक है, महोत्सव का उद्देश्य प्रतिभागियों को भौगोलिक सीमाओं के पार तालमेल और वाणिज्यिक अवसरों की खोज में सुविधा प्रदान करना है, जो नई स्टार्टअप और किसान नेतृत्व वाले संगठनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक तरह के देखेंगे तो त्योहार है, मतलब उत्सव है। इसमें आप देखेंगे तो भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सबके प्रतिनिधि जो थे एक साथ आए थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, आसियाना। ठीक है, ध्यान, सारे के सारे आसियान का मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। इसको किसने मतलब इसका, ठीक है, किसने किया, इसका उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय कृषि एवं अर्जुन कृषि मुंडा। कल्याण तथा जनजातीय मामले श्री अर्जुन मुंडा ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे कला वास्तुकला और डिजाइन डीआरसीकी। ठीक है, कला वास्तुकला और डिजाइन डीआरसीकी, ठीक है, 2023 का उद्घाटन हुआ है। इसे एक वैश्विक सांस्कृतिक पहल और सांस्कृतिक मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम बनाने के इरादे से आयोजित किया गया। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे तो सांस्कृतिक स्थान और रचनात्मक व्यवसायों को सशक्त बनाना और वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति और कनेक्ट के लिए कला का लाभ उठाना है। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को लाल किला दिल्ली में उद्घाटन किया गया, 9 से 15 दिसंबर 2023 तक संपन्न हुआ। कला वास्तुकला और डिजाइन डीआरसीकी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो लाल किला दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। बस इतना ही ध्यान रखना है और विशेष नहीं ध्यान रखना है। किस मंत्रालय की पहल है, तो वैश्विक सांस्कृतिक पहल है और सांस्कृतिक मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम बनाने के इरादे से आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कल के क्लास में हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कल ही पढ़ेंगे, कल खत्म कर देंगे। ठीक है, कितना है, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, 20 है, कल निपटा देंगे इसको, तो कल ही अंतर्राष्ट्रीय करते हैं। ठीक है ना, ये भी पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय, करवाओ थोड़ा सा। करवाइए सर थोड़ा सा। ठीक है, हाँ सर, करवा दे, जी सर, हाँ चलिए अंतर्राष्ट्रीय शुरू करवाते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय का सबसे पहला करंट अफेयर है जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया। खबरों में क्यों है, तो ये पहले अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। कहाँ पर होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ठीक है, लेकिन बाइडन वहां पर ना पहुंच पाए। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड तो आप लोग जानते हैं क्या है, नहीं जानते तो आगे चलकर हम लोग उससे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 2023 वाला होने वाला, तो वो भी स्थगित होकर जापान गया था। ठीक है, 2024 भारत में होने वाला, तो वो भी स्थगित हो गया। ठीक है,
जापान 2023 वाला कहाँ पे हुआ है, ठीक है, हिरोशिमा में हुआ है ना क्वाड, जहां पे G7 हुआ वहीं पे क्वाड भी हुआ है, लेकिन क्वाड होने वाला कहाँ था, तो क्वाड पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था 2023 वाला। भारत में आयोजित होने वाला क्वाड 2024 शिखर सम्मेलन भारत की योजना के अनुसार जनवरी के महीने में आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा करने की उम्मीद नहीं है। क्वाड का चतुर्भुज संगठन भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आप देखेंगे पिछला क्वाड कब हुआ, तो पिछला क्वाड की बात करेंगे तो पिछला क्वाड 20 मई से 20 मई को G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर हिरोशिमा पे हुआ, ठीक है। अपने अगले शिखर सम्मेलन में क्वाड नेताओं ने इंडो पैसिफिक में समग्र सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है। तो ये वाला जो क्वाड जो आपको हिरोशिमा में जो हुआ, ये क्वाड आपको पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन बाइडन जो था नहीं आ पाया, ठीक है। तो बाद में बोला गया ठीक है G7 के लिए सबको हिरोशिमा तो आना ही है, और G7 में जो मेंबर है वो सबके सब क्वाड में भी है, जापान है ही उसमें, अमेरिका उसमें है ही, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी G7 में शामिल है ही, बस भारत को आमंत्रित करके क्वाड को मीटिंग जो है से मतलब हिरोशिमा में ही निपटा दिया गया। और वहीं पे निर्णय लिया गया कि जनवरी 2024 में क्वाड जो है सो भारत में होगा, तो सारे नेता आने के लिए तैयार थे। और बाइडन को गणतंत्र दिवस में मतलब क्या चीफ गेस्ट बना के आमंत्रित किया गया, तो बाइडन आएंगे गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट बन के शामिल भी हो जाएंगे और क्वाड में पार्टिसिपेट भी हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया आने से मतलब इनकार दे कर दिया, तो जिसके बाद मतलब क्वाड को भी मतलब क्या करना पड़ा, इसको मतलब शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्वाड 2024 वाला होता कहाँ पे, ठीक है, मतलब मेनली जो दिक्कत हो रहा है बाइडेन को लेकर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति जहां जाता है वहां सो जाता है। आगे चलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप को बोलते हैं, ठीक है, कॉप, ये कॉप की बात करेंगे तो 2000 ये 2000 सॉरी 28वां नंबर का कॉप जो है आपको कहाँ पे हुआ, तो ये यूएई में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, यूएई में हुआ है, ठीक है। 27वां नंबर का कॉप कहाँ पे हुआ, तो शर्म अल शेख में हुआ जो कि मिस्र में पड़ता है, ठीक है। पहला कॉप कब हुआ था, तो पहला कॉप 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। भारत में कॉप कब हुआ, तो भारत में कॉप 8वां नंबर का कॉप हुआ है 2095 2002 में शायद हुआ है, ठीक है, 2 या 3 में हुआ है, इसमें दिया भी होगा, एक कॉप भारत में हुआ है। ये 29वां नंबर का कॉप होगा कहाँ पे, तो 29वां नंबर का कॉप होगा बाकू में होगा, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, चर्चा में है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं देखेंगे क्या कॉप में क्या क्या बातें हुई चर्चा में है, ठीक है, इसमें मेंस के प्रश्न भी बनेंगे। 2 सप्ताह की गहन बातचीत के बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के साथ संपन्न हुआ। और समझौते में मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, तो ग्लोबल स्टॉक टेक देश ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की एक मजबूत देश ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की एक मजबूत कार्य योजना का सहमत हुए। इसमें महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ा हुआ निवेश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल उपाय शामिल है। आप देखें लॉस एंड डैमेज फंड, पहली बार जलवायु परिवर्तन के कारण कमजोर देशों को होने वाले नुकसान और क्षति को संबोधित करने के समर्पित कोष की स्थापना की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समर्पित कोष मतलब एक जैसे मैंने जलवायु परिवर्तन से फायदा किसको है और नुकसान किसको है, तो भाई साहब भूटान का क्या गलती है, नेपाल का क्या गलती है, या फिर भारत का ही क्या गलती है, अभी हम लोग तो डेवलपिंग फेज में है, अगर हम लोग डेवलपिंग फेज में अभी से हम लोग मतलब क्या करें पेट्रोलियम का यूज करना कोयला का प्रयोग करना बंद कर देते, हमारा विकास कैसे होगा, हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा, जबकि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, या फिर जो भी विकसित देश है वो तो ऑलरेडी पहले से ही मतलब डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब संसाधन का सबसे ज्यादा दोहन किया, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। अब जो है सो मतलब वो लोग बोले से नहीं नहीं आप सबको खत्म करो, तो भाई तुम्हारा हो गया तो इसका मतलब थोड़ी ना से दूसरा देश भी डेवलप कर गया, तो इसके लिए बहुत सारे देशों को नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों को बोला गया सो ठीक है जो विकसित देश है वो एक फंड क्रिएट करेंगे, इसको बोल सकते हैं समर्पित कोष कहते हैं उसको, और उस फंड से मतलब क्या होगा विभिन्न देशों को मतलब उनसे मतलब क्या दिया जाएगा, उसको मतलब पैसे दिए जाएंगे, जैसे भूटान को दिया जाएगा, नेपाल को, जो भी मतलब देश जो होगा जो कि मतलब पिछड़ा हुआ है उनको मतलब उनसे मदद दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे वित्त की बात करेंगे विकासशील देशों में जलवायु कार्यवाही का समर्थन करने के लिए $83 बिलियन से अधिक की नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं जुटाएगी, इनमें जलवायु समाधानों के लिए समर्पित एक नया सार्वजनिक निजी निवेश फंड अल्टेरा का लॉन्च किया गया, ठीक है।
निजी निवेश फंड का नाम क्या रखा है? अल्टेरा। क्या नाम रखा गया? अल्टेरा। कितने बिलियन डॉलर का बनाएगा? 83 बिलियन डॉलर। अब अपने क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं क्या थे? कृषि, खाद्य तथा स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति हुई। कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात करेंगे तो तेल और गैस कंपनियों ने मीथेन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने के लिए महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं भी की है। जीवाश्म ईंधन, पहली बार अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने के नारे का आह्वान किया गया। भाई साहब, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं। जीवाश्म ईंधन में क्या है? पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। सबके सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। समावेशिता की बात करें, यूएई आम सहमति समावेशिता के नींव पर बनाई गई, जिनमें स्वदेशी लोगों, युवाओं और ग्लोबल साउथ सहित सभी हितधारकों के बातचीत में अपनी आवाज उठाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जाम्बिया में चर्चा में रहा। ठीक है, अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023, 27 नवंबर को 2023 को कहां पे हुआ? जाम्बिया में हुआ। ठीक है, कहां पे हुआ? जाम्बिया में हुआ। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ? जाम्बिया में हुआ, ये चर्चा में था। ठीक है, क्या है इसमें? यह इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। अफ्रीका एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। इस महाद्वीप पर हर साल संक्रामक लोगों से 100 से अधिक प्रकोप होते हैं। मतलब ना यहाँ पे मतलब ना संक्रामक रोग के कितने, 100 से अधिक, ठीक है, प्रकोप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजन का बहुत सारा डिजीज वगैरह देखेंगे अफ्रीका से जाता है। ठीक है, अफ्रीका में दर्ज किए गए लगभग 75% प्रकोप जूनोटिक मूल के है। ठीक है, जूनोटिक मूल के है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो जाम्बिया में हुआ है। ठीक है, ध्यान में आपको रखेंगे। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्य को मतलब पार कर लिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? कब कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? हाँ 1987 में। ठीक है, 87 है ना, गलत तो नहीं बताया, 1987। ठीक है, अब चलेंगे MOFCC। ठीक है, मतलब वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। और UNDP के रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, ठीक है, लक्ष्यों को पार कर लिया है। क्या है रिपोर्ट, क्या कहती है? तो रिपोर्ट के अनुसार भारत 35% HFCC, क्या होगा इसका, हाइड्रो HFCC, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको पार कर लिया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य 2020 बेस लाइन से 44% कमी हासिल करना, ठीक है, HFCC 141B को भी समाप्त करने का लक्ष्य है। HFCC को शीतकालीन शीतलीकरण करने वाले उपकरणों और उत्पादों में रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, नहीं, रेफ्रिजरेट के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ठंडा करने वाला पदार्थ वगैरह में यूज होता है, जैसे स्प्रे में यूज होता है, बोतल खोलते हैं ना तो भीन खुशबू निकलती है उसमें होता है, फ्रिज वगैरह में यूज होता है, CFC का। ठीक है, ध्यान रखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, HCFC 141B का उपयोग कठोर पॉली यूरेथेन फोम के उत्पादन में, ठीक है, ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता है। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030 से पहले दिसंबर 2024 तक नए उपकरण निर्माण में HFC का उपयोग पूरी तरह से मतलब क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, लक्ष्य कब रखा गया था? लक्ष्य 2030 रखा गया, लेकिन भारत 2024 तक नए उपकरण के निर्माण में इसको बंद कर देगा। आप चलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जाने तो 1987 में था। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है? कनाडा का एक शहर है। कहाँ का शहर है मॉन्ट्रियल? कहाँ का शहर है? कनाडा का एक शहर है। ठीक है, ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। ओजोन क्षरण को, ओजोन के परत को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? ठीक है, तो CFC ने पहुंचा रहा है। इसे वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया के तहत लागू किया गया था। 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किगाली संशोधन को अपनाया गया। किगाली संशोधन, किगाली किसी की राजधानी है? याद नहीं आ रहा किसी की राजधानी है, किसी की राजधानी किगाली। ठीक है, देश का नाम पता है, इसी के संशोधन को अपनाया गया। HFC, CFC और HCFC रवांडा रवांडा, हाँ बिल्कुल रवांडा का है। ठीक है, गैर ओडीएस विकल्प है, लेकिन इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है।
ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे एच एफ सी, सी एफ सी और एच सी एफ सी का एक, ठीक है, गैर ओडीएस विकल्प है, लेकिन इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या है, हजारों गुना क्या है, अधिक है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब चलें, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हो गया है। ठीक है, तो भारत 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से मतलब क्या हुआ, चुना गया है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। भारत का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। आईएमओ शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। आईएमओ के बारे में जान लेते, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। सदस्य कितने हैं, तो ध्यान में 175 देश इसके सदस्य हैं। एसोसिएट देश कितने हैं, तो 3। मुख्यालय की बात कर, आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय पड़ता है। आईएमओ की परिषद आईएमओ के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करती है। संगठन में एक असेंबली, एक काउंसिल और उप समितियों के साथ 5 मुख्य समिति भी मतलब क्या है इसमें शामिल है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ क्या हुआ इसमें, तो भारत 2 वर्ष के लिए चुना गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल आईएमओ, इंटरनेशनल मैरिन ऑर्गेनाइजेशन समथिंग होगा। इसके लिए भारत 2 साल के लिए चुना गया। आईएमओ की स्थापना की बात करें 1948 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, लंदन में मुख्यालय, कहाँ पे इसका, लंदन में इसका मुख्यालय है। कितने देश सदस्य, 175 देश सदस्य है। 3 जो है एसोसिएटेड देश है, मतलब सहयोगी राष्ट्र है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। कल जो करेंगे 6 नंबर से हम लोग करेंगे, 6 से लेकर कितना प्रश्न है, तो 20-22 था, टॉप कितना था, ज्यादा नहीं है, 20 है, तो 6 से हम लोग करेंगे, याद रख रखिएगा। ठीक है,